आप देख रहे हैं दखल न्यूज। इंदौर में कैनरा बैंक अधिकारी संघ की दो दिवसीय बैठक हुई, जिसमें बैंकिंग सेक्टर के सीनियर लीडर जीबी मणिमारन ने बताया कि नोटबंदी के बाद बैंकों का विलय भी केंद्र सरकार की एक विफलता है। सीबीओए की इंदौर क्षेत्रीय सेंट्रल कमेटी बैठक एवं युवा सम्मेलन के आयोजन में मणिमारन ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ स्टेट बैंक एसोसिएट के विलय के बाद सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय करने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेट बैंकों के विलय की सफलता के बाद अन्य तीन बैंकों का विलय किया जा रहा है। वरन बैंकों की माने तो परिणाम इसका उलट ही है। स्टेट बैंक के स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एवं स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में विलय के बाद स्टेट बैंक का लाभ कम होने के साथ ही एसबीआई के शेयर मूल्यों में भी घाटा हुआ है और कई शाखाएं बंद कर दी गई हैं। कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस बैंक के ग्राहक दूसरी बैंकों में शिफ्ट हो गए। सामान्यतः विलय से या तो जनता या सरकार को लाभ होता है, पर एसबीआई के विलय से कोई फायदा नहीं हुआ है, पर सरकार विलय करने पर अभी भी तुली हुई है, जो कि जनता के लिए घातक होगा और बैंक इन विलयों का विरोध करता है। बैंक अधिकारियों ने दो दिवसीय सम्मेलन कर सरकार के बैंकों के विलय की नीति का विरोध किया। सर, 21st और 26th स्ट्राइक का मेजर कारण है गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाया पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज करना। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एंड देना बैंक मर्ज करके अनाउंस किया है, उसके अगेंस्ट हम स्ट्राइक में जाते हैं। वो गवर्नमेंट ने बोला एसबीआई का मर्जर हुआ, वो सक्सेस है, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग एसबीआई मर्जर फेलियर है, किसी को फायदा नहीं है। ये मर्ज होने के बाद ये पब्लिक सेक्टर बैंक का वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। हमारा कंट्री का प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है और पब्लिक सेक्टर बैंक रहना तो अच्छा है, पब्लिक का भी अच्छा है, ये इसलिए हम जनता इसमें जा रहे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद बैंकों ने जनता के हित में नियम बताए, पर सरकार के बहुत सारे निजी बैंकों को लाइसेंस देने के बाद धोखाधड़ी की वारदातें बैंकों में बढ़ी हैं। धोखाधड़ी होने का कारण यह भी रहा है कि जो निजी बैंकें हैं वो सरकार की जनता के हित में बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर रहे। निजी बैंक सिर्फ वही करते हैं जिनमें बैंक को फायदा पहुंचे। बैंक के पदाधिकारियों ने कहा कि निजी बैंकों की शाखाएं बढ़ी हैं, जिससे हमें डर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन बैंकिंग क्षेत्र को निजी हाथों में देने की तैयारी सरकार कर रही है। इस अहम मीटिंग में बैंकों के पदाधिकारी आर के भारद्वाज, के त्रिपाठी और संजय गोयल भी मौजूद रहे। कैनरा बैंक अधिकारी संघ के युवा सम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।